हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा फार्मालोकिन चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए जैन बॉल प्लस कैप्सूल। दोस्तों, आपको इसी नेम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको जैन बॉल कैप्सूल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये किस यूज में कैप्सूल आते हैं एंड डॉक्टर लोग किस यूज में इसको देते हैं एंड कैसे ये डोज लेने चाहिए। दोस्तों, इस तरह के कैप्सूल होते हैं, हम आपको इसके कैप्सूल के बारे में सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए एंड दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं जैन बॉल प्लस कैप्सूल के बारे में। आपको इसी नेम से किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, ये कैप्सूल खाने के नहीं होते हैं दोस्तों, इनहेलर करने के होते हैं, यानी कि सूंघने के कैप्सूल होते हैं। आप इसको भाप के अनुसार सूंघ सकते हैं, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पहले इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देते हैं और इसकी कंपनी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलाए गए हैं कैम्फोर, मिथेनॉल, डरपोनाइड विद एक्सिपिएंट के साथ। दोस्तों, ये कैम्फोर और टर्पोनाइट मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं कैप्सूल। दोस्तों, इस तरह के कैप्सूल होते हैं। चलिए इसकी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये कैडिला कंपनी इसको बनाती है एंड इसका अच्छा ही रिजल्ट है। दोस्तों, अच्छा रिजल्ट देखा गया है एंड दोस्तों इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। और दोस्तों, इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों ये 62 रुपये का 10 टैबलेट मिल जाएंगे, यानी कि 62 रुपये की पूरी स्टेप मिल जाएगी आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से। ओके, चलिए इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, डॉक्टर लोग किसी यूज में इस कैप्सूल को देते हैं एंड कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, ये खाने के नहीं होते हैं, ये सूंघने के कैप्सूल होते हैं। दोस्तों, आप इसको गुनगुने पानी में डालकर इसके भाप को इनहेलर कर सकते हैं। ये दोस्तों किस यूज में दिए जाते हैं कैप्सूल, चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों, नज़ला हो गया, जुखाम हो रही हो, काफ़ी तेज़ जुखाम की वजह से नाक बंद हो गई हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या सांस की नली में बलगम जम गया हो दोस्तों, या अस्थमा वाला मरीज भी इसको ले सकता है। सूंघने के इनहेलर करने के लिए आते हैं कैप्सूल। दोस्तों, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है जुखाम के लिए। दोस्तों, नाक का बंद होना, जुखाम बहुत तेज होना, जुखाम से सर में दर्द होना या बलगम जम जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, दोस्तों इन सारे प्रॉब्लम में ये कैप्सूल दिया जाता है डॉक्टर की तरफ पेशेंट को। दोस्तों, ये कैप्सूल आपको खाना नहीं होता है, ये आपको इनहेलर करना होता है। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं किस तरह से आप इसको इनहेलर कर सकते हैं। दोस्तों, या तो अपने कपड़ों पर इसको लगा सकते हैं फेस के नज़दीक, मगर आपको फेस की स्किन पर इस कैप्सूल को नहीं लगाना है दोस्तों। और इसकी सबसे अच्छी बात है, ये बच्चे भी ले सकते हैं दोस्तों, बच्चों को इनहेलर करा सकते हैं दोस्तों, बच्चों के कपड़ों पर इसको लगा सकते हैं, जो बच्चे इसकी खुशबू या इनहेलर कर सकें इस कैप्सूल को। दोस्तों, आसानी से जुखाम में बहुत जल्दी राहत देता है दोस्तों, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है जुखाम के लिए एंड दोस्तों बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है जुकाम के लिए। दोस्तों, आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हमने आपको बता दिया है। दोस्तों, इसको इनहेलर करना होता है दोस्तों, इनहेलर कैप्सूल होते हैं, इस पर लिखा होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। और दोस्तों, इस कैप्सूल को जब भी लें अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से लें। दोस्तों, इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं दोस्तों, बस आपको ये स्किन पर नहीं लगाना है दोस्तों, इसको इनहेलर करना है। या तो गुनगुने पानी में इसको डालकर इनहेलर कर सकते हैं, या इनहेलर वाली मशीन आती है उसमें भी आपको डालकर इसको इनहेलर कर सकते हैं। नेबुलाइजर आता है, नेबुलाइजर मशीन में भी आप इसको इनहेलर कर सकते हैं, नेबुलाइजर के बब्बारा, जैसे कि बब्बारा लगवाते हैं दोस्तों, उसी तरह से भी इस कैप्सूल को आप इनहेलर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है खांसी जुकाम या आपके कोल्ड, दोस्तों आपको नज़ला हो गया हो, जुकाम हो रही हो, तब इसको यूज में देते हैं डॉक्टर लोग। दोस्तों, हमने इसके बारे में यूज बता दिया है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, इसकी MRP हमने बता दी, सारे इस कैप्सूल के बारे में आपको जानकारी दे दी है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर आपको नॉलेज मिल गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, पसंद आई हो वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, लाइक करें दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन के दबाने के अनुसार सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी इन्हीं से रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों एंड हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।